What's going on guys, अस्सलाम वालेकुम, my name is Ashan and you are watching EdTech। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। यू नो गाइज ऑल के मैंने जो आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं ईद के बाद लाहौर जाऊंगा, ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस वगैरह देखेंगे। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस को देखा जाए ना। आप में से काफ़ी लोगों ने यह भी कहा था कि एक शॉपकीपर के पास आपने नहीं जाना, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग कम अज़ कम दो शॉपकीपर्स के पास तो ज़रूर जाएँ। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं कि इस वीडियो का एक और पार्ट आएगा जिसके अंदर हम लोग किसी और शॉपकीपर के पास जाकर, एक या दो और शॉपकीपर्स के पास जाकर देखेंगे कि उनके पास ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस क्या चल रही हैं। बट इससे पहले कि हम लोग वीडियो के अंदर आगे बढ़े, मैं एक गिव अवे अनाउंस करना चाहता हूं। इस माउस का गिव अवे रेजर की तरफ से आता है, उनका रेजर वाइपर मिनी वन ऑफ द बेस्ट माउसेज में से एक है। अगर हम लोग इस प्राइस रेंज में बात करें, बहुत ज़्यादा लोग इस माउस को जो है वो प्रेफर करते हैं। रेजर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा रेपूटेबल ब्रांड है एंड वो पेरीफेरल्स की दुनिया में, पीसी पेरीफेरल्स की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा जो है वो नाम गेन कर चुका है एंड अपने काफ़ी ज़्यादा कीबोर्ड्स एंड माउसेस की सीरीज़ के अंदर रेजर जो है वो डोमिनेट करता है। तो इस माउस का गिव अवे है, तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका, आपने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो करना है। उसके अलावा आप लोगों ने ZA कंप्यूटर के फेसबुक पेज को लाइक करना है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो ये दो काम आपने ज़रूर करने हैं। फिर तीसरे नंबर पे आपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो है वो एक अच्छा सा कमेंट कर लेना, तो हम लोग एक कमेंट पिक कर लेंगे। एनीवे यार, हमने काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली हैं, तो अब हम लोग अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। अच्छा गाइज, यहाँ पे हम लोग इस वक्त दूसरी शॉप के ऊपर आए हैं, MS कंप्यूटर के ऊपर। फैसल भाई हैं मेरे साथ, तो फैसल भाई सुनाए आपका क्या हाल है? जी अलहमदिल्ला भैया, से ठीक है, शुक्र अल्लाह की दुआ करता हूं। अच्छा तो फैसल भाई, आप मुझे ये बताएं कि मैं जो है इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो GPU प्राइजेस का सर्वे कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे जो है वो मैंने अपनी ऑडियंस से पहले शेयर कर दिया था कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो आप मुझे ना कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि मुझे वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस को कवर किया जाए लेकिन एक शॉप पे नहीं जाना, आपने एक से ज़्यादा शॉप्स पे जाना, मल्टीपल शॉप्स पे। तो ऊपर पहले मैं ZA वाले से होके आया हूँ, ठीक है, अब आपके पास मैं आया हूँ ताकि ऑडियंस को हमारी को जो है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल जाए कि ग्राफिक कार्ड की क्या प्राइसेस चल रही हैं, स्पेशली अगर लाहौर के एरिया की बात करें तो। आप लेकिन ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस के ऊपर भी हम लोग आते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना जो कि हमारी आवाम का क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट क्वेश्चन है इस सिचुएशन के मुताबिक। तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग देख रहे हैं कि 3050 टाइप के जो ग्राफिक कार्ड हैं, RX 6600 XT जैसे जो ग्राफिक कार्ड हैं जो ज़रा मिड रेंज से ऊपर ऊपर की आप कह सकते हैं, 3060 हो गया, तो ये कार्ड जो हैं इनकी प्राइसेस पहले से काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं, लेकिन जो यूज ग्राफिक कार्ड है उनमें कोई इतने ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं देखने को मिला, तो उसकी क्या रीज़न है? उसकी सबसे पहले रीज़न तो ये है कि यूज जितना भी कार्ड आता है वो आपका चाइना या ताइवान हांगकॉन्ग वगैरह से आ रहा है, ठीक है? अच्छा ना? तो अभी आप जानते होंगे अभी वहाँ पर अभी तक कोरोना ही चल रहा है, मोस्टली वहाँ से आपकी जो डिलीवरी आनी थी वो नहीं आ रही, लेट हो रही है, एक रीज़न ये है। वहाँ पे एक और चीज़ भी सुनने में आई कि कोरोना की एक और जो है वो लहर आ गई है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, पता नहीं बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रिक कर दिया, और ज़्यादा आगे से भी ज़्यादा, ना किसी को आने दे रहे, ना जाने दे रहे, ना माल की डिलीवरी जल्दी दे रहे हैं। सबसे बड़ी एक रीज़न तो ये है, और दूसरी रीज़न आपकी ये कह सकते हैं कि जो नया कार्ड है उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है, जो उसके नस्बत मार्जिन कम होता है, इसमें समझे वो बिल्कुल दुकानदार जो होता ना बिल्कुल रिजनेबल थोड़ा 200-400 रख के दे रहा होता है यूज कार्ड में, इसलिए यूज कार्ड को फर्क इसलिए नहीं पड़ा। नयो में मार्जिन आपको पता है 15-20-25 हज़ार रुपए तक भी चला जाता है, काफी हो जाता है। हाँ जी, तो वो इसलिए हो, और नए में ये है कि उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा रहती है, यूज में अवेलेबिलिटी अभी चाइना की वजह से बहुत कम आ रही है, ये सबसे बड़ी वजह है, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा। और ये जो अभी ये भी ड्रॉप हो रहा है, ये जो सेलर हम जैसे दुकानदार हैं हम लोग अभी लॉस कर करके दे रहे हैं ये कार्ड, क्योंकि इसकी करंट वैल्यू गिर चुकी है, आपको पता थीरियम की वजह से, और वैसे भी ओवरऑल हम ग्लोबल वाइज भी आपको पता शॉर्टेजेस वगैरह भी जो है वो आगे से वो खत्म हो गई है, यानी ना होने के बराबर है, ऐसे ही बिल्कुल हर शॉपकीपर के पास आप जाएंगे क्वान्टिटी आपके पास वापर पड़ी हुई है, और अभी कितनी देर रखेंगे वो जितनी रखते जाएंगे वो डी वैल्यू होती जाएगी आपकी प्राइसिस, तो इसीलिए सब दुकानदारों का मौका यही है कि नए को निकाल दें जितना 19-20 करके, इस सबसे बड़ी रीज़न उसकी ड्रॉप होने की यही है प्राइसेस, ताकि नया निकालें और कम से कम लॉस, कम से कम में आगे फिर नया पकड़ेंगे तो वो लॉस रिकवर उसमें हो जाएगा। और यूज की अभी क्वांटिटी आ भी नहीं रही है, और जो आ रही है वो ब्राय नाम आ रही है, और मार्जिन पहले ही उसमें कम है, तो इसलिए उसको थोड़ा कम रखा जाता है। ठीक हो गया,
अच्छा तो फैसल भाई आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जो कार्ड्स अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या प्राइस चल रही है, अगर जो यूज़ में उनकी प्राइस भी बता दें, जो न्यू में पड़े हुए हैं उनकी भी प्राइस बता दें ताकि ज़रा पता चल जाए हमें अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, पहले अभी ये देखिए नया आया, जैसे ये कार्ड पहले 90 का था, 88 इतने का ये मिल जाता था, अभी अच्छा। ये मार्केट में अवेलेबल है तकरीबन आपको 75 से 78 के अंदर अंदर ये मिल जाएगा। ये कौन सा कार्ड है? ज़ोटेक का ओसी वर्जन है, सिंपल लेंगे वो इससे भी थोड़ा कम है, RTX 3050। डेडू चार्जर ने मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर 3050 पैलेट वेरिएंट की प्राइस उसने बताई है 78,000। जी बिल्कुल, ये डेफिनेट पायलट से तो ऊपर है, तो उससे उसके कंपैरेटिवली ये प्राइस काफी अच्छी है और जो है ज़ोटेक का एडिशन है। हाँ, और इसमें ये एडवांटेज है आपको ये लोकल वारंटी के साथ है, इंटरनेशनल वारंटी वाला मतलब वारंटी अगर कोई मसला आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर की वारंटी है, आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी 100% मिलेगी, ठीक है, उसमें हम इन्वॉल्व होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और नेक्स्ट कार्ड? नेक्स्ट कार्ड अभी ये देखें आपको 6600 आ गया RX, इसकी जो पहले प्राइसेस चल रही थी आप देखेंगे ये वाला कार्ड जो असूस का वेंडर था, ये पहले 1,15,000-1,20,000 रुपए में सेल हो रहा था। अच्छा, अभी इसकी प्राइस सारी गिर गई है काफी हद तक इथेरियम की वजह से, और अभी हमने जो इसका नया रेट निकाला वो हम 87 तक ये सेल कर रहे हैं, 87,000 में RX 6600 8GB का कार्ड है ये भी, और वेंडर अच्छा है, असूस का वेंडर है, ठीक है। इसी में आप MSI वगैरह लेंगे या एजरो लेंगे तो वो इससे भी थोड़ा कम है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट कार्ड इसके बाद आ जाते हैं ये 3080T है, ये पहले 350+ का था, अच्छा, अभी ये तकरीबन 3,05,000-3,10,000 इसकी रेंज में आ गया है, यानी 40-50,000 रुपया समझे ये भी डाउन हो गया ये कार्ड। और ये कौन सा वेरियंट है? ये ज़ोटेक का गेमिंग एडिशन है, RTX 3080 Ti 3 fans जो GPIO को यानी हिलने के लिए बचाता है, अच्छा, हिलने नहीं देता वो भी, और उसके ऊपर भी RGB उन्होंने दी स्टैंड आप कह सकते हैं, ऐसे ही बिल्कुल स्टैंड। और इसमें सिंपल वर्जन लेंगे तो वो तकरीबन 170 तक अभी आ गया हुआ, 150 से 170 के अंदर अंदर प्राइस आ गया है, और ये RTX 3070 Ti, और ये कितने, और ये अभी आपको मिलेगा 185 में, 185 का होगा, एम्प होलो एक्सट्रीम, अच्छा अच्छा हायर वेरिएंट है, हाई वर्जन है, जैसे आप सुपर रॉक स्टिक कह सकते हैं उसको ये टक्कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके पास देख रहा हूँ कि कुछ यहाँ पे यूज ग्राफिक कार्ड वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो इनकी प्राइस भी बताएं कि ये किस तरह से दे रहे हैं आप। ये सबसे पहले आ जाता है ये गेमिंग एक्स में आ गया है 760 GTX, इसका पहले प्राइस था, लोग कहते हैं ना यूज़ क्यों नहीं कम हुआ, यूज़ भी कम हुआ लेकिन उसमें मार्जिन कम है इसलिए वो कम नीचे आया, उसके अच्छा, प्राइसेस अच्छा। कम नीचे आए हैं, ये अच्छा। पहले 21 से 22 के अंदर सेल हो रहा था 760 GTX, अभी ये आपको मिल जाएगा 18,500 के अंदर अंदर, अच्छा अच्छा 18,500 के अंदर, 19 के अंदर अंदर गेमिंग एक्स, इससे नीचे वाला मॉडल लेंगे तो वो आपको 17,500 तक भी मिल सकता है 760 GTX। और पहले आपको पता है कि 750 Ti का प्राइस ही तकरीबन 19 के नजदीक था, हाँ जी, 19 अभी वो भी डाउन होगा, उसके बाद आ जाते हैं ये भी RTX में MSI मेरे पास पड़ा हुआ है, MSI वेंटस, अच्छा RTX वेंटस पड़ा हुआ है MSI ओरिजिनल, अच्छा सील के साथ है, ये बैक प्लेट के साथ है, ये नया तकरीबन लास्ट टाइम जो चल रहा था ना अरूज के दिनों में, ये तकरीबन 120-125 का था, अच्छा, अभी अच्छा। हम ये यूज में पड़े हुए हैं मेरे पास, एक ये असूस है RTX, अच्छा अच्छा RTX 2060 6GB वाला, अच्छा ये आपको मिल जाएगा अभी तकरीबन 55 से 65 के अंदर अंदर, 55 से 65 के अंदर 2060 RTX 2060 आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, MSI की ओरिजिनल सीले लगी हुई हैं, ओके, और ये दुबई से इम्पोर्ट हुए हैं 10x10, ये भी बैक प्लेट के साथ है, ठीक है, ओके, ये टूथ का है, इसी तरह आते हैं, तो यही जो कार्ड आपको 1,00,000+ में पहले मिल रहा था वो अभी आपका तकरीबन हाफ पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर ये एक छोटा कार्ड पड़ा, ये क्वांटिटी काफी हमारे पास पड़ी हुई है, अच्छा, और रिजनेबल प्राइस में ये मार्केट में जो सेल हो रहा है तकरीबन 6.5-7 में हम रिटेल कर रहे हैं, शॉपकीपर को दे रहे हैं, तो अगर कोई कस्टमर आता है बल्क में लेते हैं तो उसको तकरीबन 5,000 से 5,500 के अंदर अंदर दे देंगे, वैसे रिटेल में कोई आपके रेफरेंस से आएगा उसको भी इतने का ही लगा। उसके अलावा आपने मुझे एक और चीज भी बताई है जो आपके पास जो इस वक्त सेल चल रही है स्पेशली पावर सप्लाई के ऊपर, आपने कहा है कि पावर सप्लाई आप एक काफी सस्ते में दे रहे हैं,
तो कंपैरेटिवली मार्केट के, तो मैंने कहा चले उसे भी इस वीडियो में इंक्लूड कर जी। बिल्कुल, आजकल आपको पता गर्मी शुरू हो गई है, गर्मी में जहाँ पे पाकिस्तान में ज्यादा लोड शेडिंग ज्यादा हो जाती है, ओवरहीट ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा जो आपका कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर जाता है वो पावर सप्लाई ही है गर्मी की वजह से। तो हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन आई हुई थी, ये भी दुबई से इम्पोर्ट हुई हुई है, तो 10x10 एनटेक की 620 हाइक्रॉन गेमर। अच्छा, मॉड्यूलर में ये ओरिजिनल सीले लगी हुई है, कंडीशन आप दे सकते हैं 10x10 है। अच्छा, ये जहाँ भी हम रिटेल में 7,500-8,000 रुपए की सेल कर रहे हैं, इसकी एक्चुअल प्राइस जो पहले आ रही थी वो तकरीबन 12,000-15,000 रुपया थी। अच्छा, और अगर आप बल्क में लेते हैं तो हम ये आपको तकरीबन 6,500 तक दे देंगे। अच्छा, और वैसे आपके रेफरेंस से भी कोई आएंगे तो इसको भी अच्छा मार्जिन कर देंगे इंशाल्लाह। ये बल्क में चाहिए हुई तो ओरिजिनल हमारे पास पड़ी हुई है, जेन्युइन सीलों के साथ 10x10 कंडीशन है। अच्छा अच्छा, आजकल इसका सीजन है तो समर अभी शुरू हो गया और समर तो उसी के लिए हमने ये सेल लगाई है। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं ये अभी आ रहा है थर्ड जनरेशन। और एक और आपके पास ये मदरबोर्ड में भी एक डील थी जी, जी। 4 रैम स्लॉट वाला मदरबोर्ड जी आते है। ये जी। है इंटेल का 67BL है। अच्छा। ये 4 रैम बैंक के साथ है। अच्छा, ठीक है, 6GB है इसके अंदर, और USB 3.0 भी है, और ऑप्टिकल साउंड कार्ड है इसके अंदर 7.1। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी काफी अच्छी प्राइस में है, ये आपको 3000 में मिल जाएगा। 3000 में वैसे इस तरह के जो है ना मदरबोर्ड मैंने देखे हैं वो तकरीबन 4000 रुपए के, 3600-4000 रुपए का आपको मिलेगा, लेकिन हमारे पास अच्छा प्राइस है तो आजकल वैसे भी आपको पता है हालात आते हैं तो उस लिहाज को देखते हुए हम सेल लगा रहे हैं। ये हो गई आपकी स्पेशल डील्स। तो अभी हम लोग कुछ ना ऐसे ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस की बात कर लेते हैं जो अभी तक कवर नहीं हमने की है। फॉर एग्जांपल आप मुझे प्राइस बता दें, GTX 960 4GB वाला जो वेरिएंट है उसकी क्या मार्केट में प्राइस? बिल्कुल, पहले उसकी वैल्यू जो चल रही थी वो तकरीबन 33-35 के अंदर अंदर सेल हो रहा था। अच्छा। अभी उसकी जो करंट वैल्यू आ गई वो तकरीबन आपको मिलेगा 27-28 के अंदर अंदर अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा GTX 1650 सुपर जो न्यू में आता है। जी जी, 1650 सुपर जो आपका पहले 1,00,000 को भी टच कर रहा था सम टाइम, हाँ बीच में 90+ चला गया था जी, 90+ भी गया है बीच में ना। और अच्छा, लास्ट टाइम अभी जो आपको करंट जो मिलेगा उसमें अच्छा एडिशन भी लेंगे वो तकरीबन आपको 60-70 के अंदर अंदर अभी अवेलेबल है इजिली लोकल वारंटी के। ये मार्केट की बात हो रही है। हाँ जी, और जो 1660 Ti है, 1660 Ti जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही हुए हैं ये दोनों। आप उसमें थोड़ा सा ऊपर ASUS का वर्जन ले लेंगे वो 2-4,000 रुपया ऊपर है, बाकी कोई मसला। अच्छा, कोई इतना फर्क नहीं है? नहीं, इतना तो फर्क मेरे ख्याल से एक अच्छी डील ये रहेगी कि अगर हम लोग 1660 Ti लें 1650 सुपर की बजाय, या 4-5,000 रुपए का फर्क है तो डेफिनेट गेमिंग में उसके स्पीड बूस्ट करती है, 1660 Ti ज्यादा सही रहेगा, एक अच्छी डील रहेगी इस वक्त के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस इस वक्त जा रही है। और उसके अलावा मुझे RX 570 की प्राइस बता दें 4GB वाला जो है। वो भी नीचे आए, लेकिन सबसे बड़ी उसकी रीजन ये बनी है कि 4GB का जो RX 570 वो भी कुछ माइन होने लग पड़ा था, तो मोस्टली लोगों ने वो लेना शुरू किया, और कस्टमर अभी आता है तो अगर वो 25 का भी उनको देते हैं ना, 25-27 का भी, तो वो अभी मुतमइन नहीं होता कि ये माइनिंग में यूज हुआ। वैसे मार्केट में क्या प्राइस? मार्केट में अभी यही है 27-30 के अंदर अंदर है, 30 के करीब करीब। हाँ जी, ठीक है। और उसके अलावा मुझे प्राइस बता दें RX 580 की। 570 में अभी बॉक्स पैक जो आ रहा है जो रिफर्ब करके यहाँ ओरिजिनल कह के बेच रहे हैं वो बॉक्स पैक आपको 40-42 का मिल जाता है 570 में। 570 अभी भी ठीक है, और जो यूज्ड वाला है वो कितने का है? वो 27-30 के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। ठीक है, और 584GB वाला? 584GB अभी नहीं अवेलेबिलिटी मार्केट में, पड़ा नहीं हुआ। 580 बिकने के लिए आ रहे हैं लेकिन हम लोग खुद नहीं उठा रहे क्योंकि वो कस्टमर को फिर अच्छी चीज नहीं, और टोटली माइनिंग पे चले हुए हैं तो इसलिए हम लोग नहीं ले रहे वो। ठीक हो गया फैसल भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। तो उसके अलावा अगर हमारे ऑडियंस में से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है आपसे कोई पीसी बिल्ड वगैरह करवाने के लिए या कोई ग्राफिक कार्ड परचेज करने के लिए, तो आप अपनी शॉप का एड्रेस वगैरह बता दें। जी बिल्कुल, आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, जैसे आप के रेफरेंस से कोई आएगा इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी उसको और अच्छा प्राइजेस कर दें। और तो एड्रेस तो बता दें, एड्रेस है हमारा ये ऑपोजिट साइड पे आएंगे फ्री सेंटर के, अल हफीज शॉपिंग मॉल है फर्स्ट फ्लोर पे गुलबर्ग, अल हफीज शॉपिंग मॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, 7 नंबर ऑफिस है MS कंप्यूटर के नाम से, फर्स्ट फ्लोर MS कंप्यूटर। ऑपोजिट साइड पे रोड पे आएंगे तो थर्ड प्लाजा बनेगा ये। ठीक है, उसके अलावा मैं इनके शॉप का एड्रेस वगैरह डिटेल और फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इनसे प्राइजेस वगैरह भी पूछ सकते हैं, और अगर आपने कोई डिलीवरी वगैरह ओवरऑल पाकिस्तान में करवानी होगी तो वो भी करवा सकते हैं। तो ठीक है फैसल भाई, बहुत ज्यादा शुक्रिया। गाइज़, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मुझे जो है वो रियलाइज़ हुआ है कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है मैं वो वाला हिस्सा ऐड नहीं कर रहा जिसके अंदर मैं दूसरी शॉपकीपर के पास गया हूँ प्राइजेज़ वगैरह के लिए, क्योंकि उस पार्ट के साथ वीडियो 20 मिनट से भी ज़्यादा लंबी बन रही थी, तो वो हिस्सा तुम लोगों को अगली वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर हम लोग दूसरी शॉपकीपर के पास गए हैं ग्राफिक कार्ड की प्राइजेज़ के लिए। तो यार, ब्लॉग तुम लोगों ने देख लिया, आई होप आप लोगों को ग्राफिक कार्ड की प्राइजेज़ का आइडिया हो गया होगा, एंड आई नो
ग्राफिक कार्ड की प्राइजेज, जो यूज ग्राफिक कार्ड की प्राइजेज है, उनकी इतनी ज़्यादा प्राइजेस कम नहीं हुई। एक और चीज़ जो हमने नोटिस किया वो ये है कि मार्केट के अंदर मौजूदा जो शॉप्स हैं उनकी प्राइजेस, काफ़ी सारी शॉप की एक दूसरे से प्राइजेस में थोड़ा बहुत फ़र्क है, स्पेशली यूज ग्राफिक कार्ड की प्राइजेस की अगर हम लोग बात करें। तो उसकी रीज़न ये है कि हर किसी ने स्टॉक जो है वो डिफरेंट टाइम के ऊपर एंड डिफरेंट क्वांटिटी में ख़रीदा होता है। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप ख़रीदते हैं उतने ज़्यादा देर लगती है आपका स्टॉक को क्लियर होते हुए, एंड ये भी मैटर करता है प्राइसेस के ऊपर कि आपने जो माल परचेज़ किया वो कितने में किया है। तो मेरे ख्याल से यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस मुख्तलिफ शॉपकीपर्स की एक दूसरे से कम ज़्यादा नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर किसी ने जो है वो माल डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर ख़रीदा हुआ है। तो जब उनके स्टॉक्स वगैरह क्लियर होंगे, जब वो फिर नया माल परचेज़ करेंगे, तो फिर आप लोगों को एक्चुअल प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। एंड आल्सो इन केस यू आर वंडरिंग कि मेरे बैकग्राउंड के अंदर कौन सा पीसी पड़ा हुआ है, तुम लोग सोच रहे होगे कि अजय भाई तुम्हारा पीसी किधर गया, तो यार ये पीसी जो है वो इसके ऊपर जल्दी वीडियो देखने को मिलेगी। तुम लोगों को 60-70,000 रुपीज़ का बिल्ड है ये, तो ये मैं खुद इस वक्त जो है वो यूज़ कर रहा हूँ, एंड ये जो वीडियो तुम लोग देख रहे हो वो भी इसी के ऊपर एडिट होगी। एंड मैं अपना सारा एक्सपीरियंस गेमिंग का एंड आल्सो एडिटिंग का भी एक्सपीरियंस तुम लोगों से शेयर करूँगा जब मैं इस पीसी बिल्ड के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज गाइस, दैट्स प्रीटी मच फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। उसके अलावा यार मेरे चैनल की कुछ और वीडियोस वगैरह भी देख लो। अगर तुम लोगों को कंटेंट अच्छा लगता तो तुम लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एज ऑलवेज अ ह्यूज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल गाइज विद द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।